धर्म और आस्था की नगरी काशी में घाटों का अपना अलग महत्व है। लोग यहां दर्शन पूजन के अलावा दाह संस्कार और अपने पितरों का तर्पण करने काशी आते हैं। इस समय काशी में ठंड का प्रकोप अपने चरम पर है। ठंड के अलावा यहां पर बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बर्फीली हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं लोग सड़कों पर तो जहां तहां नगर निगम द्वारा अलाव प्वाइंट पर अलाव ताप ले रहे हैं, मगर गंगा घाटों पर अलाव की समुचित व्यवस्था न होने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां गंगा घाट पर लोग कर्मकांड और स्नान ध्यान करने आते हैं, वहां न ही किसी पार्षद का ध्यान है, न ही किसी विधायक ने इस ओर ध्यान दिया। गंगा घाट के आसपास लोग ठंड में ठिठुरते दिखे, मगर प्रशासन का ध्यान भी इस ओर नहीं जाता है। घाट पर कई जगह लोग अपने से थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठी करके अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब भीलूपुर जोन के उपनगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने तुरंत ही लकड़ी की व्यवस्था कराने की बात कही। ठंड तो इधर एक सप्ताह से निरंतर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वाराणसी नगर निगम को चाहिए कि अलाव के लिए थोड़ी यहाँ लकड़ी की व्यवस्था तत्काल करा दें। और घाट पर तो है नहीं, ऊपर में भले देते हो, हमको कोई जानकारी नहीं है, पर घाट पर तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है उनसे, वाराणसी नगर निगम से, कि थोड़ा लकड़ी की व्यवस्था यहाँ घाट के किनारे करा दें, क्योंकि गरीब हैं या रात्रि में भी कुछ लोग रुक जाते हैं, तो उनके लिए अलाव का अवलंबन निश्चित रूप से ज़रूरी है और कर देना चाहिए उनको। मेरा अनुरोध है उनसे। किसी से बात हुई है पार्षद या नगर निगम? नहीं, किसी से कहे नहीं है। अरे सारे लोग तो आते ही हैं यहाँ पर। अब यहाँ के ट्रांसमीटर के भी समय देखिए इतना ठंडा है, रात में और ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ लकड़ी उनको निश्चित रूप से गिरा देना। घाट पर अमूमन देखा जाता है बहुत सारे लोग रात में, हाँ रुक जाते हैं, जो आउटसाइडर आते हैं और उनको होटल में रहने की व्यवस्था नहीं, तो गंगा किनारे रह जाते हैं, तो उनके लिए तो सबसे जरूरी है कम से कम रात भर कम्बल मल ओढ़ करके रह जाएंगे। उनके लिए भी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था जो जलवा रहा है, हाँ तो जल रहा है, तो इससे क्या होगा। निगम निगम है।